ग्रीटिंग्स, वार्म वेलकम ऑल टू इंस्पायर सिविल्स। टुडे इज 25th ऑफ नवंबर और आज जो हम द हिंदू के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है चाइना ने जो रोल प्ले किया है इन रिजॉल्विंग और इन यू नो इन फॉर्मुलेटिंग ए प्लान फॉर रिजॉल्विंग द रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट, उसके उसके ऊपर डिस्कशन होगा। दूसरा आर्टिकल जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड है कि जुडिशरी किस तरीके से प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकती है या जुडिशरी की जो वर्किंग है उसके ऊपर एक आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन है, पोर्शन है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और तीसरा आर्टिकल जो है वो सीरिया क्राइसिस से रिलेटेड है। सीरिया में जो एक आखिरी सिटी रह रही थी जो कि आइसिस के कंट्रोल में थी, तो उसके ऊपर भी नाउ द सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेज हैव कैप्चर्ड इट एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच नाउ द यू नो Now the way has become quite clear for the dialogue to start in Syria. So all these three articles will be discussed in today's editorial discussion section. Now let's first talk about the Rohingya conflict and how China's intervention has led to the resolution, or in a way there has been some breakthrough of sorts in resolution of this particular concept. Now if we look at the background, what happened was in last year, what happened in fact in this year itself, in July, in the month of July, what happened, there was a military post in the Rakhine province, and this military post was attacked by the Myanmar insurgents, and as a result of which this drove retaliation, and in retaliation Myanmar army started operation, and they basically led to the large scale exodus of the Rohingyas who are in fact an ethnic minority as far as Myanmar is concerned and who have been fighting for their rights since 1982. So this led to the exodus of the Rohingya Muslims to the 12 other countries which are adjacent to Myanmar, like they basically went to kuch India mein chale gaye, kuch West Bengal ki taraf chale gaye, kuch Bangladesh ki taraf chale gaye, kuch aur Indonesia, Malaysia, matlab ye jo countries hai wahan wahan pe wo spread ho gaye. To as a result of which ye ek humanitarian crisis इट लेड टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्योंकि जब जब 4 से 5 लाख लोगों को आप यू आर ड्राइविंग देम आउट ऑफ देयर प्लेस, इट विल सर्टनली लीड टू अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। फर्दर इसकी वजह से ये भी हुआ कि जो इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस हैं उनके बीच में मतलब एक तरीके से खटास पैदा हो गई, बिटर रिलेशंस टर्न आउट टू बी द बिटर रिलेशंस। नाउ अब क्या हुआ कि चाइना ने इस बीच इंटरवीन किया और चाइना ने एक 3-पॉइंट प्लान पुट फोर्थ किया इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये चाइना का 3-पॉइंट प्लान क्या था? पहला तो मतलब जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस म्यांमार की आर्मी कर रही है इन द रखेन प्रोविंस, इट हैज़ टू बी हॉल्टेड फॉर द पीस टॉक्स टू प्रिवेल, बिकॉज जब तक ये हॉल्ट नहीं होंगे ऑपरेशंस, तब तक आप जो पीस टॉक्स है या रिटर्न ऑफ रोहिंग्यास टू द रखेन प्रोविंस वो नहीं हो पाएगा। सो द फर्स्ट थिंग विच द चाइना डिड वॉज दैट इट प्रपोज्ड कि ये जो पहला जो चीज़ है यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए रखेन प्रोविंस में, तो वो हुआ। अब जहाँ तक उसकी बात है कि सीज फायर हुआ है नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है, बट जो ऑपरेशंस उनके हैं म्यांमार आर्मी के वो अभी तक जारी है। तो देर आर चांसेस कि ये जल्दी ये अपने ऑपरेशंस को वाइप अप करेंगे and they'll allow a peaceful return of the Rohingyas in the region. The second thing is ki international community jo hai unko support karna padega, matlab ye jo Myanmar aur Bangladesh hai, baaki countries ko inko support karna padega taki ye inko ek tarike se rehabilitate kar sake us Rakhine province mein. Now the larger question is ki jis community ko aapne persecute kiya hai, मतलब यू हैव मर्डर, यू हैव म्यूटिलेटेड, यू हैव यू नो इन अ वे ब्रूचुअली मर्डर्ड पीपल आउट देयर, सो वेदर दे विल बी यू नो इन अ पोजिशन टू रिटर्न देयर और नॉट, क्या वो रिटर्न करना, क्या वो आना चाहते हैं रखेन प्रोवेंस में, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि बांग्लादेश जो है उनके उनके पास भी रिसोर्सेज कम है, जगह कम है, तो वो उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक पर्टिकुलर मतलब रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड किया था चाइना ने कि आप सपोर्ट कीजिए म्यांमार को भी, बांग्लादेश को भी, ताकि वो जो है वो रिटर्न कर सके या था वो वापस आ सके
उनके लिए आप जो है ग्राउंड सपोर्ट एस्टैब्लिश कर सके ताकि वो रिटर्न मतलब दे शुड कम बैक. एंड थर्ड थिंग वाज दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड्स टू डेवलप रखें प्रोविंस, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप कीजिए ताकि वो जो है वो पीसफुली वहाँ पर आ जाए वापस. तो ये प्रेशर टैक्टिक जो है ये काम कर रही है, लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा है वो वही है कि ये जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज मुस्लिम्स की है वहाँ पर, वो वापस आएंगी एक जगह पे जहाँ पर आपको जुल्म किया जा रहा है, जहाँ पर आपको भगाया जा रहा है, मारा काटा जा रहा है, तो क्या वो फिर वहाँ पर वापस आना चाहेंगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. और दूसरा चीज़ कि ये चाइना को अचानक से क्या इंटरेस्ट पड़ गया, क्योंकि चाइना नॉर्मली जो है नॉर्मली चाइना डजंट यू नो चाइना डज नॉट इंटरवीन इन टू दी अदर 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 कंट्रीज, जो जो भी बाकी कंट्रीज होती हैं वो उनके नॉर्मली जो है वो उनकी डोमेस्टिक इश्यूज में वो ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर रहा है. पर यहाँ पर वो क्यों कर रहा है, क्योंकि पहला चीज़ जो है चाइना की रिलेशंस जो है विद म्यांमार एंड बांग्लादेश दे आर गुड. म्यांमार और बांग्लादेश के साथ उनकी रिलेशंस पहली बात वो अच्छी है. दूसरा, चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो म्यांमार हो, और ख़ास करके रखेन प्रोविंस में तो काफ़ी ज़्यादा ही कुछ इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है रखेन प्रोविंस उसका पार्ट है. दूसरा चीज़, वहाँ पर डीप सी पोर्ट मतलब जो है वो बना रहे हैं. तीसरा, वो गैस पाइपलाइन वहाँ से गुजर रही है. तो ये तीन चीज़ें जो है ये चाइना को मजबूर कर रही है कि आप उनको एक तरीके से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, इस पॉलिटिकल क्राइसिस को. अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड में यही कहा जा रहा है कि जब तक आप उनको पॉलिटिकल मतलब टेम्प्रेरी तो आप उनको लौटाओगे, बट जब तक आप उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे दोगे, अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट गिवन द पॉलिटिकल राइट्स, देयर पॉलिटिकल राइट्स दे आर अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट यू नो मेड टू बी द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक जगरनाट, द डेवलपमेंटल जगरनाट, यू विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट रोहिंग्यास इन 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 दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दम द पोलिटिकल राइट सो एज टू सेटल दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट. तो ये तो था पहला आर्टिकल. अब दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है रिलेटेड टू द जुडिशरी. So now let's talk about the other article, and which is about the working of the constitution. And the title of the particular article is the mandates of the natural justice, right? Mandates of natural justice, right? अब इस आर्टिकल का अगर हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो हमें पता है कि जो 26th ऑफ नवंबर 1949 को आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस डेट पे अडॉप्ट किया गया था. और दो इट केम इनटू फोर्स ऑन इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26th ऑफ जनवरी 1950, बट जो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया था या फ्रेम किया या अडॉप्ट किया गया था इस डेट पे. तो एक तरीके से 26th ऑफ जनवरी को जो है हम मनाते हैं एज 26th ऑफ नवंबर को जो है हम मनाते हैं एज संविधान दिवस, राइट? संविधान दिवस. अब इस क्वेश्चन में या इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो दीज रिसेंट इवेंट्स विच हैव टेकन प्लेस एज फार एज द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न, दे हैव रेज्ड ए नेशनल अलार्म, राइट? नेशनल अलार्म किस तरीके से अराइज हुई है. पहले हम देखते हैं कि ये रिसेंट इवेंट्स जो हुए हैं क्या हुए. रिसेंट इवेंट हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि एक प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का केस था जहाँ पर कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी या उनको अगला सेशन जो था, अगला एजुकेशन सेशन वो कंडक्ट करने से एमसीआई ने रोक दिया था. उनकी लाइसेंस एक तरीके से उन्होंने जब्त कर दी थी बिकॉज दे फेल टू मीट द रिक्वायर्ड जो भी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए. तो इसके खिलाफ, इस मेडिकल काउंसिल के डिसीजन के खिलाफ प्रसाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ने उन्होंने फाइल की याचिका, एक तरीके से पिटिशन फाइल की इन दी हाई कोर्ट ऑफ अलाहाबाद, एंड दे गेव हाई कोर्ट ऑफ अलाहाबाद ने उनके फेवर में डिसीजन दिया. और फिर जो एमसीआई था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने फिर पिटिशन फाइल की अगेंस्ट प्रसाद मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे जो जज थे वो दीपक मिश्रा साहब थे. तो उस टाइम पे फिर सीबीआई को ये कहा गया, सीबीआई को किसी ने टिप ऑफ दिया कि इस केस में
जो है जजेस को खरीदने की कोशिश की जा रही है ताकि जो फैसला जो है वो प्रसाद मेडिकल इंस्टीट्यूट के फेवर में जाए, राइट। तो इस सारे केस के अंदर फिर जो जो पेटिशनर्स थे, दो पेटिशनर्स थे, एक तो जो ये है क्या नाम है, प्रशांत भूषण, और भी एक मतलब लेडी थी जिन्होंने कि फाइल की पेटिशन अगेनेस्ट दिस पर्टिकुलर केस, और उन्होंने कहा कि इस केस में जजेस को खरीदने की कोशिश की जा रही है और ये जस्टिस का एक तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, जस्टिस का एक तरीके से जस्टिस सिस्टम को ही अब अगर आप खरीदने की कोशिश करोगे तो फिर मोरालिटी इथिक्स वो कहाँ पे चली जाएगी, वो तो उनका तो कहीं नाम नाम निशान नहीं रहेगा। तो इस केस में ये कहा गया था, इन्होंने जो पेटिशनर्स थे उन्होंने ये कहा था कि सीबीआई जो है, चूंकि सीबीआई गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो उनसे जांच न करा के एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की जाए अंडर रिटायर्ड जज, जो कि इस पूरे केस की जांच करेगी कि क्या करप्शन हुआ, क्या जजेस को खरीदने की कोशिश की गई या नहीं की गई। अब चूंकि उस टाइम पे तो चलो दीपक मिश्रा जो थे वो एक सिटिंग जज थे, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे, पर अभी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उनके पास अभी एक तरीके से पावर है ये डिसाइड करने का। उन्होंने कहा कि दैट आई एम द मास्टर ऑफ रोस्टर, यानी कि मैं डिसाइड करूंगा कि कौन किस पैनल पे, कौन किस जज पे, या किस जज को किस केस को डिसाइड, किस पैनल को किस कौन सा केस डिसाइड करने की एक तरीके से परमिशन दी जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि दैट ये जो दीपक मिश्रा है उन्होंने अपनी मन माफिक एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट की, और फिर उस पैनल ने ये कहा कि इस पे हम एसआईटी से जांच नहीं कराएंगे, सीबीआई को करना है तो सीबीआई ही जांच कराएगी। तो एक तरीके से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जहाँ पर जजेस का, हालांकि लॉ के हिसाब से ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, बट जहाँ पर उस उनका केस है, फिर एक पर्टिकुलर केस कंसिडर किया जा रहा है, गजेंद्र गजेंद्र जो कि एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे पहले, तो उनका एक केस यहाँ पर कोर्ट किया गया है कि ये जो गजेंद्र घाटकर, उनके केस में, गजेंद्र घाटकर के केस में ऐसा ही एक इशू हुआ था जहाँ पर कि एक लैंड एक्विजिशन का केस था, और उनको ही वॉज अपोज टू थर नेल बाय द एडवोकेट्स कि आप, चूंकि इसमें आपका एक तरीके से पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इस केस से विड्रॉ कर लीजिए या आप ये मत डिसाइड कीजिए कि कौन पैनल क्या। उन्होंने गजेंद्र गाडकर ने फिर इथिकल और मोरालिटी के बेसिस पे वही किया, ही विड्रू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस। और इनका आज का यही कहना है कि जो अभी अभी की अभी का ये केस हुआ है उसमें चाहिए ये था कि जो दीपक मिश्रा है वो, हालांकि ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, बट ही शुड हैव ऑन द बेस ऑफ इथिक्स, ऑन द बेस ऑफ द मोरालिटी, ही शुड हैव बेसिकली अलाउड दी यू नो ही शुड हैव ही शुड नॉट हैव डिसाइडेड कि कौन सा जो पैनल है, कौन सा बेंच जो है वो इस उस केस को डिसाइड करेगा जहाँ पर उनका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या उनका इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये पूरा आर्टिकल जो है ये इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर, विच इज़ रिलेटेड विद द सीरिया, राइट। तो सीरिया में अभी क्या चल रहा है, सीरिया में अब जो लास्ट एक तरीके का आइसिस का एक गढ़ माना जाता था, अबू कमाल सिटी जो कि सीरिया में आइसिस के अंडर थी, तो उसको भी जो है असद बैक्ड फोर्सेज, गवर्नमेंट फोर्सेज ने उसको कैप्चर कर लिया है, राइट। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ है, कंप्लीट राउट हो चुका है जो आइसिस था, आइसिस का कंप्लीट राउट हो चुका है फ्रॉम दी सीरिया। अब सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, अगर हम सीरियन कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर तीन पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व थी। एक तो असद जो है, असद रिजीम का, असद का जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट फोर्सेस थी और उनको जो सपोर्ट कर रहा था रशिया, ईरान, हेजबुल्ला और लेबनान, ये सारी जो है असद को सपोर्ट कर रहे थे, असद को बैक कर रहे थे। और दूसरे फ्रंट पे था आइसिस, जिसका कि अब नाउ कम्प्लीटली इट हैज़ बीन राउटेड आउट और इट हैज़ बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम दी सीरिया। और तीसरे फ्रंट पे थे रेबल्स, राइट। इन रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था यूएसए, इसराइल एंड सऊदी अरेबिया, राइट। तो इन तीनों के बीच में टसल थी इन द सीरिया, और जिसमें बाय एंड लार्ज जो असद है ही हैज़ इमर्ज्ड एज विनर, क्योंकि असद को जो था रशिया का सपोर्ट था, ईरान का, हिजबुल्ला और लेबनान का, और इन्हीं का अभी जो है वो अपर हैंड है, राइट।
अब इसके चलते, क्योंकि अब कम्प्लीटली जो है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेबल्स का एक रीजन था जहाँ पर कि कुर्दिश फोर्सेस का एक उनको सपोर्ट था, बाकी जो है इनका ज़्यादा कुछ उन्होंने गेन नहीं किया, तो अब जो है डायलॉग और पीस प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब पीस प्रोसेस भी जो स्टार्ट हुई वो दो, एक तरीके से दो फ्रंट्स पे स्टार्ट हुई। एक तो अस्थाना, ये डॉक्टर अस्थाना नहीं है बल्कि अस्थाना प्रोसेस है, जहाँ पर कि तीन कंट्रीज जो है इनमें इन्वॉल्व है। एक तो रशिया, राइट, रशिया, ईरान और टर्की, और दूसरा जो है वो है यूएन, यू नो, यूएन बैक्ड जो जिनीवा पीस टॉक्स है। ये दोनों जो है अब ये डिसाइड करेंगे कि जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो कैसे रहेगा इन सीरिया। अब सीरिया में जो है काफ़ी सारी और मैटर्स जो है उनके ऊपर भी डिस्कशंस होने ज़रूरी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्स्टेकल्स दैट आर यू नो इम्पेंडिंग एज फार एज द सीरियन पीस प्रोसेस इज कंसर्न। तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं? देखो, ऑब्स्टेकल्स पहले, काफ़ी सारा ब्लडशेड हुआ है यहाँ पे, काफ़ी सारा वायलेंस हुआ है, और उससे काफ़ी सारी बिटरनेस जनरेट हुई है। तो उस बिटरनेस को पहले आपने रिमूव करवाना है, तभी जाके ये जो पीस प्रोसेस आप कह रहे हैं कि हम पीस प्रोसेस करेंगे, तो तभी जाके वो एक तरीके से सक्सेसफुल होगी। दूसरा चीज़, यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और उन फॉरेन इंटरेस्ट जो भी है या फॉरेन प्लेयर्स जो भी यहाँ पर है, तो उनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। एक साइड से आप देखोगे कि ईरान के खिलाफ जो है सऊदी अरेबिया और इसराइल, उनका स्टांस जो है वो कभी नहीं ये चाहेंगे कि ईरान का जो एक तरीके से स्टैचर जो है वो इंक्रीज हो अगेनेस्ट और इन इन द ग्लोबल अरीना, तो ये कभी नहीं चाहिए। दूसरे साइड से आप देखते हैं कि रशिया और टर्की जो है उनका भी एक कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट है। वो टर्की जो है वो नहीं चाहता था कि जो असद रिजीम है वो वहाँ पर रहे, या असद जो है वो इन पावर रहे वहाँ पर, लेकिन रशिया असद को बैक कर रहा है, तो एक तरीके से ये भी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। और तीसरा जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर इशू है वो ये है कि काफ़ी सारी डिफरेंसेस डेवलप हो गए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ वहाँ पर रह रही है, तो उनकी वजह से काफ़ी सारी एक तरीके से सेक्शंस डिवाइड हो गए हैं। तो उनके बीच में जब कॉन्स्टिट्यूशन आप डेवलप करोगे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी के इंटरेस्ट को देखना वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अब ऑप्टिमिज्म इस बात के ऊपर है कि वो कहते हैं कि जो सीरिया है, सीरिया हैज़ बीन एन एंशंट सिविलाइजेशन, काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, जहाँ पर कि मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल लोग जो है वो रहते थे और मिलजुल के रहते थे। तो एक वहाँ से वो लेगेसी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दे कैन इम्प्रूव और दे कैन लिव टुगेदर। द सेकेंड पॉइंट इज दैट वॉट आर द मेजर यू नो मेजर कंक्लूजन्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग इज, एक रशिया जो है, रशिया ने पहली बार किसी मतलब एक फॉरेन इशू के ऊपर इंटरवीन किया एंड सक्सेसफुली उसमें एक तरीके से वो पोस्ट कोल्ड वॉर जो है, पोस्ट कोल्ड वॉर किसी एक ऐसे इशू में इंटरवीन किया, और दे हैव बीन सक्सेसफुल इन रिजॉल्विंग और इट और प्लेइंग यू नो इम्पॉर्टेंट रोल एज फार इट्स रेजोल्यूशन इज कंसर्न। दूसरा चीज़, कुछ लोग कहते थे कि जो ये अरब स्प्रिंग है जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आया था इन 2011, ये एक इंडिजीनियस मूवमेंट थी लोगों की टू रेस्टोर डेमोक्रेसी। कुछ लोग कहते थे कि इसमें फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, फॉरेन प्लेयर्स का हाथ है, वही ये कर रहे हैं। तो कुछ हद तक ये भी साबित हो गया कि फॉरेन प्लेयर्स का रोल है यू नो मैक्सिमम ये जो जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो यही था कि फॉरेन प्लेयर्स जो थे, जैसे अमेरिका, सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, राइट, इन सब ने मिल के जो है वो इन कंट्रीज़ में एक तरीके से उथल पुथल मचाई थी, कम्प्लीटली इंडिजीनियस मूवमेंट नहीं थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज़ डिस्कशन। डू स्प्रेड अ वर्ड अबाउट अस। थैंक यू।